आइए दोस्तों प्रॉब्लम की अंडरस्टैंड लेते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 1, देन फाइंड ए सी वेयर ट्राइंगल ई सी डी इज आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए कैसे करेंगे, को समझते हैं। देखिए दोस्तों एक डायग्राम हमें यहाँ पे दिया हुआ, ए बी ये जो लेंथ है, बी ई ये जो लेंथ है और ई डी ये जो लेंथ है, ये क्या है, इनकी वैल्यू है 1। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये तीनों के तीनों 1 है। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर हमें एसी की वैल्यू यहां निकालनी है। कैसे निकालेंगे एसी की वैल्यू, समझते हैं सबकी प्रॉब्लम को। देखिए दोस्तों गौर कीजिए, आपको मैं लेकर चलता हूं ट्राइंगल ई डी और सी में। इस ई डी सी ट्राइंगल की क्या खास बात है, ये है आइसोसेल्स राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब क्या होता है इसका, मतलब होता है ये एक तो पहले राइट एंगल बनाएगा, एंगल सी पे देखिए 90 डिग्री इसने बनाया, मार्क किया हुआ है, और आइसोसेल्स का मतलब होता है ये जो लेंथ है ना, ये इसके बराबर है। तो यहां लिख दीजिए इसका मतलब क्या, आइसोसेल्स वर्ड का, कि ई सी जो है ना वो बराबर है किसके, डी सी के। ये दूसरी चीज हो गई। और अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है। लगा दीजिए, कैसे लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, देखिए ई डी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी का स्क्वायर प्लस ऑफ डी सी का स्क्वायर, ठीक है। ई डी देखिए क्या है, ई डी की देखिए यहां पर हमें जानकारी दी हुई है, ई डी है 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी बराबर है डी सी के, कैसे, ये यहां से आया है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट यहां से आया है। तो देखिए क्या होगा, ई सी 2 टाइम्स ऑफ ई सी स्क्वायर लिख दीजिए इसको। सो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 होगा, ये होगा ई सी स्क्वायर। और अगर हम देखें यहां पे तो देखिए ई सी क्या बनने वाला है, ई सी बनेगा 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है। यहां इसकी मार्किंग कर दीजिए, ई सी की वैल्यू मिल गई आपको 1 बाय अंडर रूट 2, और यही यही वैल्यू होगी किसकी, डी सी की भी, वो भी होगी 1 बाय अंडर रूट 2। तो यहां पर क्या वैल्यू है, ई सी की देखिए 1 बाय अंडर रूट 2, और यहां पर क्या है, ये भी 1 बाय अंडर रूट 2, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या चाहिए, यहां पे देखिए हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था ए सी, ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है ए ई प्लस ऑफ ई सी के बराबर है। ई सी तो हमने निकाल लिया अभी, ठीक है ना, क्या था 1 बाय अंडर रूट 2। अब हमें ए ई निकालना है, ए ई निकालने के लिए ट्राइंगल ए बी और ई में चलते हैं। क्या है, राइट एंगल है बी पर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, ठीक है। सो ए बी क्या हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, ये हो गया आपका 2 इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर, और ए ई क्या हो गया आपका अंडर रूट ऑफ 2। इसकी मार्किंग यहां कर दीजिए, ये हो गया ए कितना है, अंडर रूट ऑफ 2, ये देखिए अंडर रूट ऑफ 2 ये लिख दिया आपने। तो अल्टीमेटली ए सी क्या हुआ आपका, ए सी हुआ आपका, यहां पर गौर कीजिएगा, ए क्या अंडर रूट 2 प्लस ऑफ डी सी, ई सी कितना है 1 बाय अंडर रूट 2। इसको करेंगे क्या मिलेगा हमें, यह आएगा आपका 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 करेंगे 2 आएगा, 2 प्लस 1 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 2। देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, देखिए 3 बाय अंडर रूट 2 इसका आंसर आता है, क्या है, ए सी इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 2। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सॉल्यूशन लिख दीजिए यहां पे, सॉल्यूशन क्या है, ए सी इज इक्वल टू 3 बाय अंडर रूट 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं।